नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या फैमपे कार्ड को पेटीएम, फोनपे, गूगल पे और साथ ही अमेजोन पे में क्या इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, हम जैसे ही फैमपे को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास फैमपे कार्ड आ जाता है। अब वो वर्चुअल कार्ड हो सकता है या फिर फिजिकल कार्ड हो सकता है, तो उसको क्या आप दोस्तों इन ऐप्स पर यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। मैं आपको दोस्तों बताना अब स्टार्ट करता हूँ कि हम इसको इन ऐप्स में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पर दोस्तों मेरा सीधा आंसर ये होगा कि आप यूज कर भी सकते हो और कर भी नहीं सकते हो। अब किस केस में यूज कर सकते हो और किस केस में यूज नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फोनपे का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाऊंगा। अब जो दोस्तों यहाँ पर फोनपे के केस में होगा तो उसी प्रकार से पेटीएम, गूगल पे, इसके साथ ही अमेजोन पे के केस में होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप आपके फैमपे कार्ड को यूपीआई पेमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो फोनपे जैसे ऐप्स में, तो दोस्तों आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों फैमपे कोई बैंक नहीं है, फैमपे सिर्फ कार्ड की सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर फैमपे बैंक होता तो दोस्तों हम इसका जो कार्ड है ना वो जरूर से यूज कर पाते फोनपे में और फोनपे जैसे ऐप्स में यूपीआई पेमेंट के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बोला कि भाई कुछ केस में यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर हम लोगों को व्यू ऑल पेमेंट मेथड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड ऐड करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आप जो है फैमपे का कार्ड ऐड कर सकते हो, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो, और कार्ड से आप इजीली फोनपे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। फोनपे पर आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो आप जो है फैमपे के कार्ड से कर पाएंगे, बस आपको फैमपे का कार्ड यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर आप नंबर डाल देंगे, वैलिडिटी यहाँ पर डाल देंगे, CVV यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, और फिर दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप फोनपे जैसे ऐप्स में एज ए कार्ड पेमेंट कर सकते हो फैमपे कार्ड से। दोस्तों ये फोनपे के केस में ही नहीं है बल्कि सारे ऐप्स में ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, अमेजोन में भी ऐड हो जाएगा, साथ ही पेटीएम में भी ऐड हो जाएगा, गूगल पे में भी ऐड हो जाएगा आपका कार्ड, ओके। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि हम फैमपे कार्ड को फोनपे जैसे ऐप्स में यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।